हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा छुड़ाने वाला, हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति आपने संभाला है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस नए सुबह नए दिन को आपने दिखाया मेरे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी कितने लोग आज के इस नए दिन को नहीं देख पाए, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया कि आज के दिन को भी हम देख पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज सुबह उठकर प्रार्थना को सुन रहे हैं, हालेलुया, यू आर अ ब्लेसेड, आप धन्य लोग हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती प्रभु जी उन सारी भलाइयों के लिए, आपने दलदल के कीचड़ से निकाला है और उबारा उठाकर खड़ा किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। रोगों से छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा मय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु ज्योति है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। एकमात्र प्रकाश देने वाला और ज्योति केवल प्रभु यीशु मसीह है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हमारा परमेश्वर पवित्र और अति पवित्र है, और हमारा परमेश्वर जीवित है, और जिस परमेश्वर की हम उपासना करते वो जीवित है। हालेलुया, और हम जीवित परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में देखेंगे अद्भुत कामों को, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनकर प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सुन सकता है, चल फिर सकता है, बोल सकता है, प्रार्थना को उत्तर देता है, और हम परमेश्वर की मीठी वाणी को भी हम सुन सकते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जब आप परमेश्वर की प्रार्थना को सुन रहे हो, प्रभु यीशु की, जीवित परमेश्वर की, तो आप अपने जीवन में सेम नहीं रहोगे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आज मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहती हूँ, जो कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य करता है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और एक सिस्टर बताती है, अपने गवाही देती है कि वो मसीह में है, थोड़े ही साल हुए हैं, और उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन वो चाहती थी, नशा जो करती थी, नशा को छोड़ना चाहती थी, जो नशे करती थी, बीड़ी और सिगरेट वो पिया करती थी, और वो छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो छोड़ नहीं पाती थी। प्रार्थना करती थी, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी, वो डरती थी, यदि नहीं कर पाई तो फिर क्या होगा, मैं कैसे प्रार्थना करूँ, मैं कैसे वाचा बांधूँ, मुझसे नहीं हो पाता था, वो ऐसे बताती है वो सिस्टर। और एक दिन वो प्रार्थना सुन रही थी, वो बहुत दिन से वैसे प्रार्थना तो सुन रही थी, सुबह शाम की जब हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं ले पाती थी, क्योंकि वचन परमेश्वर बार बार बात करता था, फैसला लो, दृढ़ फैसला लो, तभी आप जात होगे, तब आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। वो ले नहीं पाती थी फैसला, वो दृढ़, वो निश्चय नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन जब प्रार्थना कर रही थी, तो प्रार्थना करते 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 अचानक से उसके मुँह से निकल गया कि मैं आपसे सिगरेट नहीं पीऊँगी, अब छोड़ रहे हैं, प्रार्थना करते करते अचानक। एंड ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा ही, आज अनुग्रह के द्वारा ही वो गवाही देती है कि अब तो मैं छोड़ चुकी है वो सारे सिगरेट पीना, आमीन। अब तो कहती है कि अब तो मेरा देखने को भी दिल नहीं करता उस सिगरेट की ओर, मैं प्रभु का नाम का धन्यवाद करती हूँ। तो देखो, प्रभु का अनुग्रह, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना को सुनना है, साथ में प्रार्थना करें। आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आपके मन में तो है कि मुझे छोड़ना है, आपका मन तो है, आपका मन बार-बार कहता है नहीं मुझे छोड़ना, और वो कहती थी कि नहीं मुझे छोड़ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, और ये सोचा करती थी मैं कैसे छोड़ूँ। और आप तभी छोड़ पाओगे गंदगी चीज़ों को, जब आपके मन में आग्रह होगा कि नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे तो छोड़ना ही है, और छोड़ नहीं पा रहे, तो प्रभु आपको अनुग्रह देगा वो सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए, आमीन। तब के रास्ते खुलेंगे, बंधन टूटेंगे, रास्ता क्लियर होगा और आशीषें आएंगी। और जब हम पाप करते हैं, शैतान का प्रोडक्ट को जब हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में रखते हैं, तो वो आशीष का रास्ता ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है।
फिर वो आशीष नहीं आ पाती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो शैतान बहुत चलाक और करता हलाक है। आपको फैसला लेना है कि आप छोड़ना चाहते हो, आपका मन होना चाहिए छोड़ने के लिए। आपने फैसला लेना है, यदि नहीं ले पा रहे हो प्रार्थना सुनो, करो प्रार्थना, प्रभु मुझे छोड़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा दे। प्रभु जी मुझे नहीं पीना शराब, मुझे नहीं इस गंदगी चीज़ों में जाना, मैं मोबाइल में गंदगी चीज़ देखता हूँ लेकिन नहीं छूटता है। आपको फैसला लेना है, आपको कदम उठाना है, प्रैक्टिकल लाइफ आपके जीवन में होना चाहिए। आमीन। बोलने वाला नहीं बल्कि आपको करके दिखाना है। प्रभु ने करके दिखाया, प्रभु ने बोला नहीं कि मैं तेरे लिए जान देता हूँ, प्रभु ने करके दिखाया क्रूस पर, प्रभु ने लहू बहाया आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए। हालेलुया, उसने बोला नहीं बल्कि प्रभु यीशु ने करके दिखाया है। तो आज आपको भी करके दिखाना है, फैसला ले, आपको फैसला लेना, प्रार्थना करना है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। शैतान आपको रोकता है, और याद रखें जब भी आप आगे बढ़ने के लिए होंगे अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में जब बढ़ने के लिए होंगे, तो शैतान बहुत चलाक है, आपको रोकने की कोशिश करेगा। किसी न किसी रीति से लड़ाई झगड़े आ जाएंगे, परेशानियां डाल देगा, कुछ और आ जाएगा, अशांति आ जाएगी घर में, कि आपकी शांति को भंग करने के लिए आएगा कि आप प्रार्थना ना कर सके, प्रार्थना में बैठ ना सके। शैतान बहुत ही चलाक है, वह आपको परमेश्वर से दूर करने की वो कोशिश लगातार करता रहता है। लेकिन आप भी खड़े हो जाइए, अटल 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 अड़े और खड़े हो जाइए। और एक सिस्टर है, उसके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है, बार बार उसके घर में आता है लालच दिलाने के लिए, इतने पैसे, इतने आ रहे, उतने आ रहे, क्या इतना नहीं मिला, क्या उतना नहीं मिला। शैतान कितना चलाक है, आपकी कमजोरी को जानता है कि आप कहाँ पर फंसोगे, आपकी कमजोरी क्या है, क्या आपकी कमजोरी पैसा है, क्या आपकी कमजोरी झूठ है, क्या आपकी कमजोरी ये बेइज्जती है कि आप बस आपके जीवन में बेइज्जती आ गई तो बस मैंने तो सुसाइड कर लेना है, मेरी तो बड़ी बेइज्जती होगी। शैतान बहुत चलाक है, वो शर्मिंदगी देने आता है। सबको शैतान जानता है आपके बारे में, क्योंकि वो कौन था पहले, वो स्वर्गदूत था जो स्वर्ग में बैठता था, लेकिन उसके जीवन में घमंड आया, अहम आया, अहंकार आया, अपवित्रता आई, तो प्रभु ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो शैतान आपके जीवन में वो घुसने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, आपकी कमजोरी को पकड़ता है, अरे इस बंदे को मैं पकड़ूंगा, आपकी कमजोरी को पकड़ना चाहता है, बीमारी डालना चाहता है। उसको पता है शैतान के, यदि आपके जीवन में बीमारी डालूंगा तो प्रभु के रास्ते से हट जाओगे। उसे पता है यदि शर्मिंदगी लाऊंगा इसके जीवन में, बिजनेस खत्म कर दूंगा सब कुछ, तो ये प्रभु को छोड़ देगा। उसे पता है इसके घर में एक व्यक्ति को मैं ले जाऊंगा, नाश कर दूंगा, तो ये प्रभु से पीछे हट जाएगा। शैतान को पता है मैं पैसे दे कर मैं बातें करूंगा, लालच दिलाऊंगा, देगा कुछ नहीं, लेकिन लालच दिलाएगा आपको। और वो पता है कि इसको मैं परमेश्वर के रास्ते से कैसे हटाना है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, मजबूत बनो वचनों में, आपको कोई हिला नहीं सकता, जितना मर्जी लालच आ जाए, जितना मर्जी बोले कि चल प्रभु को छोड़ दे, ले तेरे को 2 लाख देता हूँ, 3 लाख देता, अब क्या करोगे 2 लाख 3 लाख, क्या करोगे करोड़ रुपए। प्रभु याद रखना, प्रभु शरीर को भी नाश कर सकता है और आत्मा को भी नाश करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसको उसके हाथ में दोनों चीजें हैं, शरीर को भी नाश कर सकता है और आत्मा को भी नाश कर सकता है, आपको उठा के खड़ा भी कर सकता है, आपको ब्लेस कर सकता है, आपको राजा बना सकता है, आपको संपत्ति से भरपूर कर सकता है। पढ़िए उस वचन को, जब हम पढ़ते हैं दाऊद में, जब वो नाच रहा था, जब संदूक आ रहा था, जो संदूक जब आ रहा था दाऊद लेके आ रहा था, तो दाऊद नाच रहा था, आनंदित हो रहा था, खुशी मना रहा था, ओ पागलों की जैसे जैसे कहते हैं ना नाचना, नाच रहा था, उसे नहीं पता कौन है, किधर है, कौन है, मुझे नहीं देखना, बस वो मगन हो गया, वो आनंदित हो गया, वो नाच रहा है, खुशी मना रहा, आनंदित हो रहा है, उसे नहीं पता कौन। और ऊपर से वो देखती है उसकी वाइफ, अरे तू क्या पागलों जैसे नाच रहा है। तो दाऊद क्या कहता है, अरे मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है, हालेलुया, प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया है,
प्रभु ही जो है मुझे ऊंचा उठाया, मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने ही मुझे उठाया। तू मुझे तू तुच्छ समझती है क्योंकि उसने तुच्छ जाना दाऊद को। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उस वचन को पढ़ें, सेकंड शमूएल चैप्टर 6 एंड वर्स 21। दूसरा शमूएल छठवां अध्याय 21वां वचन। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार से नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी, और शौल के बेटी मिकल के मरने के दिन तब तक कोई संतान न हो। और क्या कहा, क्योंकि वो तुच्छ जानी दाऊद को। जब वो नाच रहा था, जब वो खुशी मना रहा था, कैसे वो कैसे तुच्छ जानी, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शौल के बेटी मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हालेलुया। और मिकल ने तुच्छ जाना, और अंत में क्या देखते, वो मर गई। देखो, कभी भी तुच्छ ना जानो, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ ना जानो, परमेश्वर के लोगों का हमेशा आदर मान करो, कोई भी हो, किसी को तुच्छ ना समझो। इसलिए दाऊद कहता, मैं तो नाचूंगा, मैं तो आज नीच बनूंगा, मैं तो और नीचे जाऊंगा। हालेलुया। और इस तरीके से अपने प्रार्थना करना, प्रभु आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु आई एम नथिंग लॉर्ड जीसस, जितना भी कुछ दिया है आपने मुझे, गवर्नमेंट जॉब दिया आपने मुझे, संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति दी है मुझे, काम करने की शक्ति दी है मुझे, बुद्धि दिया मैं काम कर सकूं, मुझे ताकत हिम्मत दिया कि मैं काम कर सकूं, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके ही अनुग्रह से आज मैं सब कुछ हूँ। परमेश्वर सच में प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते नहीं हो, अय्यूब को देखो, सब कुछ था, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया, विद इन एक दिन में सब कुछ खत्म। घमंड नहीं करना कि आज मेरे पास रुपया है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ऊंची पदवी है। आप जानते नहीं हो, यदि घमंड आ जाता है तो वो आप नीचे चले जाओगे। आप जानते नहीं हो कैसे वो नीचे गिर गया, कैसे फेंक दिया गया स्वर्गदूत ऊपर से। घमंड को अपने जीवन में जगह ना देना, हमेशा हमेशा नम्र रहना। ये मत कहना कि मैं ये किया, मैं वो किया, मैं किया, प्रभु ने किया, प्रभु के अनुग्रह से मैं सब कुछ हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु ने ही किया है, प्रभु ने ही मुझे यहाँ तक लेकर आया है। दाऊद इतना बड़ा राजा होकर वो नाच रहा था, वो बोला मैं और मैं नीचे जाऊँगा, मैं और तुच्छ ठहरूंगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने ही सब कुछ किया है। सच में प्रभु ही सब कुछ करता है, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, केवल यीशु मसीह वही राजाओं का राजा है, वही महिमा महिमा पर परमेश्वर। जानते हो जब हमारे जीवन में घमंड आती, कोई ऐसी चीज़ें आती तो हमारे जीवन से सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में घमंड ना आने दे, पैसे का रुपया का ये तो आती जाती रहती है। हालेलुया, घमंड ना आने दे, मैं घमंड ये जीवन को ले डूबता है। हालेलुया, घमंड ना करे कभी भी। और गिरने से पहले क्या आती है, घमंड आती है, लेकिन महिमा आने से पहले नम्रता आती है। हालेलुया, वचन पढ़ोगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्रभु के पीछे पीछे चलोगे तो आप में, आप पहले तो वो बीज पड़ेगा, बीज जाके मरेगा, मर के क्या होगा, नए अंकुरित होंगे। मरने का अर्थात ये मतलब ये, आप वचन को सुनते हो, वचन को सुनने के बाद क्या करते हो, सुन तो लेते हो, फिर आप अंगीकार करते हो, प्रार्थना करते हो, क्या करते हो, उस पुराने स्वभाव से क्या होते हो, छुटकारा पाते हो, पाप से आजाद होते हो। तो पुराना स्वभाव से आप छुटकारा पाते हो, फिर आपको नया जीवन, आप नई सृष्टि बन जाते हो, झूठ बोलना छोड़ देते हो, पाप छोड़ देते हो, व्यभिचार के छोड़ देते हो, गंदगी वाला छोड़ देते हो, शराब पीना छोड़ देते हो, मूर्ति पूजा छोड़ देते हो, सिगरेट पीना छोड़ देते हो, लुचपन छोड़ देते हो, गंदगी चीज छोड़ देते हो, गाली देना छोड़ देते हो। हालेलुया, फिर आप नई सृष्टि हो जाते हो। तो जब बीज जब अंकुरित सॉरी जब क्या किया जाता है, जब बीज डाला जाता है मिट्टी में तो क्या होता है, वो पहले बीज अंदर जाता है, मरता है, उसके बाद फिर अंकुरित होता है, नई सृष्टि, नई चीज उगता है। वो धीरे 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 वो क्या होता है, उगता है, ग्रो अप करता है। तो जब हम
जब हम पाप के लिए मर जाते हैं, जब पुराने स्वभाव गंदगी चीज़ों को छोड़ देते हैं, बुरी आदती को, तो हम पाप के लिए जब मर जाते हैं, फिर हम एक नई सृष्टि हो जाते हैं। तो हम फिर कैसे ग्रो करते हैं? हम वचन को सुनने के द्वारा और उसके पीछे पीछे चलने के द्वारा हम अपने जीवन में ग्रो अप करते हैं, डे बाई डे बाई डे बाई डे बाय। तो सुबह शाम के प्रार्थना सुनते तो आप ग्रो करते हो, रोज वचन को सुनते हो, साथ में चलते हो, उसके पीछे पीछे चलते हो, तो आप ग्रो करते हो डेली डेली डेली, आप ग्रो कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। उसके बाद वचन पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, धीरे 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 उसमें क्या होता है, फ्रूट के फल के आने से पहले क्या होते हैं, क्या कहते हैं जो छोटा सा था, कली कहते हैं, जब फ्रूट आने से पहले होता वो आने लगता है, आप उसे जो भी कहते हैं वो आने लगता है, उसके बाद फल आने लगते हैं, फल पका नहीं होता है, वो आने लगते हैं। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, फल आने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, जब हम प्रभु में रहते हैं, चलते फिरते हैं, प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, स्थिर रहते हैं अपने जीवन में, फल लगता है, फल लगता है, फल लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वचन में चलते हैं, प्रभु की इच्छा करते हैं, मर्जी के अनुसार चलते हैं, फल लगता है, फल लगता है तो पेड़ झुकता है, फल लगता है तो क्या होता है, पेड़ झुकता है, दैट मीन्स फल लगता है तो और आप नम्र होते, और आप नम्र होते, और आप नम्र होते हो, मतलब झुकने का मतलब यही है कि आप नम्र होते हो। जब वही फल में कोई चीज़ें ऐसी हो जाती है, परीक्षाएं आती, फल लगा हुआ है, शैतान देख रहा है, फल आ रहा है, कोशिश करेगा वहाँ पर अंदर आने की अपने जीवन में, लेकिन यदि आप अपने जीवन में जगह दोगे, फल तो लग चुका है, लेकिन जब शैतान को जगह दोगे तब वो फल में कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए फल लग जाता है तो घमंड ना करना, हालेलुया, घमंड ना करना, कीड़ा लग जाएगा फल, फिर वो ख़त्म हो जाएगा वो फल, इसलिए घमंड ना करो, फल लगे रहो उस पेड़ में, हमें फलवन तो फल क्या आप जानते हो, पढ़ लीजिए उस वचन को, गलातियों 5:22 वचन में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरे, ये है सारे, हालेलुया, नम्रता आपके जीवन में होना चाहिए, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, बोले मैं नई सृष्टि हूँ, आई एम ए क्रिएशन, बोलो मैं नई सृष्टि हूँ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जब आप बोलेंगे मैं नई सृष्टि हूँ, तो सब कुछ गलत चीज़ें, गंदगी चीज़ें, बीमारी, श्राप, बंधन से आप आजाद हो रहे हो। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अपने आप को नम्र करें, घमंड की आत्मा के जीवन से जाए, नम्र नम्र नम्रता हो, नम्र नम्र होंगे आप तो फलवंत होगी, आशीष आएगी आपके जीवन में। आमीन, प्रभु का धन्यवाद। राजा दाऊद कैसे हुआ, वो कैसे, वो राजा कैसे, उसकी पदवी ऊंची की गई, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ा, क्योंकि वो नम्र हुआ, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मिकल का क्या हुआ लास्ट में, मर गई वो, तुच्छ जाना, प्रभु को तुच्छ जाना, प्रभु के दास को तुच्छ जाना, और वो अंत में क्या हो जाती, वो मर जाती। इसी प्रकार से जब हम तुच्छ समझते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों को तुच्छ समझते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि प्रभु तो कुछ नहीं करता, हम ऐसा से जो मन में आता है तो हमारा आत्मिक जीवन मर जाता है, आत्मिक जीवन मर जाता है तो धीरे धीरे प्रभु से पीछे हट जाते हैं। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में बने रहो, शैतान को इन्विटेशन ना दो, द्वार मत खोलो, बंद कर दो। यदि कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, यदि गलत चीज़ें आपको बार बार आपके माइंड में आ रही है, बार बार वो बातें, उसे बोलो प्लीज़ ऐसा मत करो, उसे बोलो प्लीज़ ऐसी बातें आज से मेरे सामने मत करना, यदि कोई आपको ऐसे बोलता है। हालेलुया, कोई आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है, यू कैन ब्लॉक हिज नंबर। यदि आपको परेशान करे गलत चीज़ों में, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं पाप में गिराने की, कोई भी ऐसी चीज़ आप समझ सकते हो, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, आप कर सकते हो। यदि आपको पता है कि मेरे आत्मिक जीवन मतलब बिगड़ रही, कुछ ऐसी हो रही है, शैतान के दरवाजे को आपको खुद को बंद करना पड़ेगा। वचन और प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन आपको कदम भी उठाना पड़ेगा। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और वचन पढ़ो। हालेलुया, स्ट्रांग हो जाओ प्रभु में, स्ट्रांग हो जाओ। हालेलुया, कोई भी लालच, कोई भी कमजोरी, कोई भी शैतान आपके जीवन में भरमाने ना पाए। आमीन, शैतान को अवसर ना दो अपने जीवन में। यदि अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हो तो शैतान को अवसर ना दो, इसकी क्रियाओं को अवसर ना दो। प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना करें। हालेलुया, अपनी आँखों को बंद करें।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जो अपने वचन दिया प्रभु जी, ये जो वचन को सुना है 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला यहोवा प्रभु यीशु मसीह, अंक स्तुति और की महिमा आके जय जयकार करते पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 रबाबा शरलाबा सलेबे के तेरे डबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहती हूँ, यदि आप परेशान हैं, यदि आप दुखी हैं, आप प्रभु को पुकारे, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ आपके परमेश्वर आपके मन को जानते, आपकी परेशानी आपकी आपके दुख आपके जीवन से जाए यीशु के समर्थ नाम में। प्रभु आपको चिंता करते हैं, प्रभु को छुटकारा देगा, प्रभु का भरोसा रखें। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग दुख में, मैं प्रार्थना करती हूँ चाहती हूँ चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। आपके शरीर में वहाँ पर हाथ रखें जहाँ पर आपको दर्द परेशानियां हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने आज कितने लोगों ने कल के फास्टिंग प्रेयर में ज्वाइन किया था, जो पवित्र आत्मा अभिषेक की प्रार्थना था, जिन्होंने ज्वाइन किया था, यू आर अ ब्लेस्ड। आमीन। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया था तो अब ज्वाइन करो, सुनो उस वचन को, उस प्रार्थना को। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीष में बदल जाए। अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको दर्द है, परेशानी है। मैं डांटते हर एक बीमारी को आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिलीवरी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारी को मैं डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। डिलीवरी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। रा बाबा शरल बक तिरे डब तिरे के तिरे डब शरल बक तिरे डब तिरे के तिरे डब तिरा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं डांट यीशु के समर्थ में प्रकार की बीमारी जाए, आपके पेट की समस्याएं जाए, हर प्रकार के दर्द की समस्याएं जाए। हालेलुया। हर प्रकार के नशे की आत्मा से छुटकारा पाए यीशु के समर्थ नाम में। आपके गले की दर्द जाए यीशु के समर्थ नाम में। आपके स्किन के प्रॉब्लम से ज्यादा चंगे हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपका मोतियाबिंद खत्म हो जाए, आपकी गिल्टी खत्म हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। गायब हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। पथरी जाए यीशु के समर्थ नाम में। रसौली जाए यीशु के समर्थ नाम में। हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के समर्थ नाम में। आपके दर्द खत्म हो जाए, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। वो आपके हार्ट के प्रॉब्लम की समस्या से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपके सीने में दर्द है, जलन है, मैं डांटती हूँ चंगे हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। कैंसर के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थ नाम में। अभी जल्दी बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गले के दर्द जाए। थायराइड के स्पिरिट, थायराइड की आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी स्किन की प्रॉब्लम जाए, जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, प्रार्थना करती हूँ चाहते चंगे हो जाए। प्रभु आपसे बात कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने की ताकत और समर्थ रखता है। डरे ना, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सुसाइडल स्पिरिट, मैं तुझे डांटती हूँ, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम के जीवन को, क्योंकि ये यीशु की बेटी है, यीशु का बच्चा है, तो कुछ नहीं कर सकता इनके जीवन। बोले मैं यीशु की संतान हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु का बेटा हूँ। मैं डांटता हूँ सुसाइडल स्पिरिट, गेट आउट ऑफ द बॉडी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक ऐसे स्पिरिट जो गलत कामों को करने के लिए तो फोर्स करती है, मैं तुझे डांटती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वह विचार के स्पिरिट जाए, गंदगी आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे के स्पिरिट जाए, गंदगी आत्मा जाए, आपके जीवन को छोड़ के बुरी आदत बुरी संगति में जाओ, आजाद हो जाए। जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वी डिलीवर द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो धोखा देते हैं एक दूसरे को, वी डिलीवर द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो झूठा केस किया हुआ है, ओ मानती रहो। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहते हो जैसे कि समर्थ ने वापस नहीं किया। यदि अपने विश्वासी होकर, क्रिश्चन होकर यदि आप ऐसे काम करते हो, ओ जीसस इस सब चीज़ के अलाउ नहीं करता है। मैं डांटती हूँ स्पिरिट को, चाहते हो जैसे मसीह के समर्थ ने, प्रभु आपके केस को लड़ेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। में प्रार्थना करती हो जाता हूँ किसी को झूठे केस में ना फंसाओ, कोई झूठा केस ना करो। मैं डांटती हो जाता हूँ यीशु मसीह के समर्थन। यदि आपके ऊपर कोई झूठा केस किया गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसका मन बदले और केस को वापस ले ले यीशु मसीह के समर्थन नाम में। यदि आपका जमीन को कोई ले लिया है, कोई ऐसा कुछ फंस चुका है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ जाता हूँ आपका जमीन आपके हाथ में मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थन आपके नाम में होने की प्रार्थना करती हूँ। आपका पेमेंट फंसा हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो रिलीज करती हूँ उस पेमेंट को, उस फंसे हुए पैसे को, आपके बैंक अकाउंट को मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका फंसा हुआ पैसा वापस मिले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आपका वीजा का रास्ता खुल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अपने अनुग्रह कुंडल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु जी, मैं आपकी स्तुति आपकी महिमा करती हूँ। आपकी शादीशुदा जीवन में यदि कोई गड़बड़ी है, यदि आपका पति किसी के साथ है, कोई बात नहीं, प्रभु सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। घुटने पर आ जाओ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो और प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अड़े और खड़े हो जाइए। आमीन।
आप कर सकते हो, आके प्रार्थना सुन के प्रभु आपके पति को बताएगा। आमीन। प्रार्थना तो सुन रहे हो लेकिन आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठो प्रार्थना में, आपका पति आएगा, वापस आएगा, बदलेगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बहुत सारी गवाहियां हैं जिनके पति वापस आ चुके हैं। ओ रबा शरला कतिरा, और अब देखना आपका पति वापस आएगा। प्रार्थना करे। हालेलुया। जो भी रुकावट आती है, जो ऐसी चीजें हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जीसस का है, यीशु के सामर्थ्य नाम आपका पति वापस आए। देखिए पत्नी ही ऐसी ही है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ वापस उसका मन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा बशरला कतिरा, आपके बच्चे बदल जाए और आशीषों का बदल जाए। वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका कमाई का जीवन आशीष में आपका बदल जाए। आपका बंद दरवाजा खुल जाए, बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष आपके जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ, जितने लोग बाहर में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ। आपका परमानेंट वीजा के साथ मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका पेपर लीगल हो, आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। अपने ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिलीवर्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपने ब्लेस करते हैं, अपने छुटकारा देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर एक नर्स, हर एक डॉक्टर, हर एक आर्मी में, हर एक जो पुलिस में है, मैं प्रार्थना करती हूँ कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर को प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, और प्रार्थना वचन को सुने और उसके चलने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर को ऊंचा करे, परमेश्वर को पूछने किंतु स्थिर ठहराए। आमीन। अगर कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोते, आपका कमाई का हिस्सा जो आप अपने हाथों, आपको जिस हाथ से देते हो, आपके हाथों की कमाई को प्रभु ब्लेस करे। आपका जीवन आनंद में और आशीष में कर बदल जाए। आपका कमाई, आपका बिजनेस, आपका शॉप, हर एक छोटी से लेके बड़ी तक आपकी शॉप, आपकी दुकान, आपका बिजनेस भी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी नौकरी ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन अपने काम में जाते हैं, प्रभु जी इनके को साथ रहना, इनके ऑफिस में इनके साथ रहना पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी सारी प्रार्थना को सुन लिया, प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें हमें बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनने कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज सुबह की मॉर्निंग प्रेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं मोबाइल चेक कर रही थी, व्हाट्सएप में मैं प्रार्थना भी कर रही थी, फ़ोन कॉल भी उठा रही थी, तो उसमें देख रही थी कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेयर अभी तक नहीं आई, आपने डाला नहीं। एक जन तो बिल्कुल परेशान हो गई थी, अभी तक नहीं आई। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ, जब यूट्यूब में जब आप देखते हो, तो जब यूट्यूब के वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आता है तो उसको सब्सक्राइब करें। हाँ, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। सब्सक्राइब लिखा हुआ है इंग्लिश में, सब्सक्राइब इंग्लिश में लिखा हुआ और रेड कलर में, तो आपको उसे बटन को प्रेस करना है, सब्सक्राइब के बटन को। बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं तो जानते नहीं, तो रेड में, इसलिए मैं आपको रेड कलर बता रही हूँ, रेड कलर में लिखा हुआ होगा, तो उसे उस बटन को प्रेस करें, मतलब जो लिखा हुआ सब्सक्राइब को उसको क्लिक करें। उसके बाद साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप वहाँ पर देखेंगे घंटी के जैसा चित्र देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, आइकन बना हुआ देखेंगे, तो उस आइकन को आप क्लिक करें, तभी आपका, आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगी प्रार्थना की। तब आप फिर कभी भी मैसेज करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे सेंड कर दे प्रार्थना। हालेलुया। तो प्लीज़ अभी तक आपने नहीं किया तो आप जरूर करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि आप आशीष को ले सकें। हालेलुया। तो आप अपनी गवाही को देना ना भूलें, आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, व्हाट्सएप नंबर पे अपनी गवाही को जरूर भेजें। प्रार्थना के लिए जो नंबर दिया गया उसमें कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हो। आप बहुत लोग कहते हैं कि कॉल नहीं लगती। एक्चुअली क्या है, फ़ोन आती है लेकिन वो कोई भी नहीं काटता फ़ोन को, क्योंकि उस समय प्रार्थना चल रही होती है, एक के बाद वन बाई वन वो सबके प्रार्थना अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि काट रहे, कोई नहीं काटता आपके फ़ोन को। डरे मत, घबराए मत, आपका फ़ोन सारा रिकॉर्डेड है, और वो मैं चेक भी करती हूँ कि कितने लोगों ने फ़ोन किया, आपके नंबर भी मेरे पास हैं, इसलिए मैं कभी भी आपको कॉल भी कर सकती हूँ। हालेलुया। और चिंता ना करें, सब कुछ बेस्ट होगा, ट्राई करें, फ़ोन करें, लगता नहीं है करें, बार बार करें, लगेगा ज़रूर।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। घबराए मत, प्रार्थना सुन रहे हो, आपके जीवन में काम जरूर होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और आप अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंट को भी, अपने दशमांश को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हो। और जो भाई बहन बाहर से हैं वो भी आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और ये मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने दिया, इसके लिए प्रार्थना आप जरूर करना है। मिनिस्ट्री के लिए करना है, टीम के लिए प्रार्थना करना है, प्रेयर वॉरियर के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए जो प्रभु ने दिया है, कि और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके प्रभु के, और हम प्रभु के लिए जो हम आत्मा को बचा सके, मतलब हम बचा सके सभी लोगों को जो परेशानियों में, दुख में। और बचा कर, बचाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए सिद्ध बना के उपस्थित कर सकें। तो आप प्रार्थना जरूर करना, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए भी प्रार्थना करना, सारी जरूरतों को प्रभु पूरा करके देना, हर चीज़ मुहैया करके देना चाहिए, प्रार्थना में जरूर रखना। और यदि आप कर सकते हो तो आप जरूर करना, प्रभु को आशीष दे। याद रखना 9 बजे रविवार की प्रार्थना सभा होगी, सभी लोग अटेंड करना। पहला सप्ताह का पहला जो मीटिंग है रविवार की प्रार्थना सभा, वो आप अटेंड करोगे रविवार के पहले दिन, जो कि रविवार की जो प्रार्थना सभा होगी 9 बजे होगी, तो आपको पूरा सप्ताह ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। सभी को बोलो कि रविवार की सुबह की जो 9 बजे प्रार्थना होगी, सभी अटेंड करें और आप सेम नहीं रहोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु में आप सदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।